हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम आपको लेके आ चुके हैं एक नर्सरी में, जो कि हमारी खुद की अपनी एक नर्सरी है जिस पे हम काम करते हैं। और दोस्तों, दिखा रहे हैं आपको कि ये एरिका पाम ट्री है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सारा प्लांट इस नर्सरी के एक पॉकेट में मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा और अच्छे से ग्रो कर रहा है सर। ये एरिका पाम ट्री है दोस्तों। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, आप चाहें तो अपने गार्डन में, अपने बालकनी में इसको आप रख सकते हैं। ये देखिए, और इसी में से हमने अभी लास्ट टाइम एक वीडियो आपके लिए बनाया भी था जिसमें हमने प्रोपोगेशन किया है। और ये देखिए, ये प्लांट, काफ़ी प्लांट्स हैं मेरे पास में जो प्रोपोगेशन के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये लास्ट टाइम का हमारा प्लांट है जो हमने लास्ट टाइम किया था इसमें। ये देखिए, इस तरह से मैं कुछ पौधे तैयार करता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है क्रोटन पेट्रा। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं दोस्तों, अलग अलग नाम से आती हैं। कुछ क्रोटन जिगजैग के नाम से आती है, कुछ क्रोटन डिप के नाम से आती है जिसमें बिंदी टाइप का होता है। ये देखिए, ये इस तरह के पौधे हैं हमारे क्रोटन के, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको रखा हुआ है ग्रीन शेड नेट के नीचे। ये देखिए दोस्तों, कितना हरा भरा प्लांट है हमारा और बहुत कलरफुल है। अब इसी के साथ में आप देखेंगे, ये डफन बे किया है। ये देखिए, ये डफन बे किया है दोस्तों। ये देखिए कितना प्यारा सुंदर पौधा है। आप चाहें तो इसको अपने इंडोर में लगा सकते हैं, आपके अपने रूम में लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। इस तरह के प्लांट्स होते हैं ये डफन बे किया के। ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं दोस्तों ये। इधर आ जाएंगे तो दोस्तों देखेंगे आप, ये देखिए, ये साइप्रस है। ये साइप्रस की वैरायटी है दोस्तों, बहुत अच्छा प्लांट होता है। ये भी इंडोर में चल जाता है, आउटडोर सेमी साइड भी चल जाता है दोस्तों। इधर आप देखेंगे तो ड्रेसिना है, ये भी मल्टी वैरायटी ड्रेसिनाज मेरे पास रखी हुई हैं दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है इसका, खूबसूरत पौधा है और कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं दोस्तों इसके। ये देखिए, इस तरह की मेरी ड्रेसिनाज ये रखी हुई है यहाँ पर। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए एक वीडियो भी इसमें से शूट किया है दोस्तों, और आगे भी मैं इन प्लांट्स में से आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर निकाल के लाऊंगा। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो अपने गार्डन वगैरह में इनको रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत प्लांट्स होते हैं दोस्तों ड्रेस। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना जनाडू प्लांट, जिसको हम फाइलोडेंड्रोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे, कितने बड़े बड़े प्लांट्स के इसके लीव हुए पड़े हैं दोस्तों। ये देखिए, ये लगभग अभी 8 से 10 इंच का इसका एक लीव है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है सेमी साइड, इसको बहुत अच्छी मेंटेन किया हुआ है दोस्तों इसको मैंने। और इसके जो है ये बेबी प्लांट्स भी हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अरेलिया, ये अरेलिया प्लांट्स है। इसकी भी प्रोपोगेशन करनी है, एक वीडियो इसकी भी आने वाली है दोस्तों जल्द ही। ये सिंगोनियम है दोस्तों, ये देखिए आप, ये सिंगोनियम हमने जो है गमलों में कुछ छोटे पॉट्स में उगा रखी है। इस तरह की ये सिंगोनियम प्लांट्स हैं देखिए दोस्तों। और कुछ मॉस पे भी लगाई हुई है, आप देखेंगे तो मॉस्टिक पे भी हमने चढ़ा रखा है। ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्लांट्स इसमें हैं। फिर आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे सफलेरा, ये भी काफ़ी अच्छा और सुंदर इंडोर प्लांट्स होता है दोस्तों। इसकी हमने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं अभी लास्ट टाइम ही, और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जल्द ही। ये देखिए दोस्तों, इधर आएंगे तो आप ये संग ऑफ इंडिया, ये संग ऑफ इंडिया है दोस्तों। उससे आगे आप देखेंगे तो ये स्नेक प्लांट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत प्लांट्स होता है दोस्तों स्नेक प्लांट। ये आप अपने गार्डन में और अपने घर पर ज़रूर लगा सकते हैं। ये कुछ हमने संग ऑफ इंडिया की कटिंग्स लगाई हुई हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से कुछ कटिंग्स इसकी लगाई हुई है हमने। और ये हमारे जो है पीछे देखेंगे तो आप, ग्रीन संग ऑफ इंडिया ये है जी। इधर आप देखेंगे दोस्तों, ये कुछ हमने फाइकस बेंजामिनिया की कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं इसमें कुछ। ये गुलमोहर है दोस्तों, ये छोटा प्लांट है हमारा अभी जो है। ये देखिए आप, ये लिलीज हैं, ये लिलीज के पौधे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे और खूबसूरत पौधे होते हैं ये। ये हमने पॉट्स में लगा रखे हैं दोस्तों। इधर आप देखेंगे, इसको पेंडेनस बोलते हैं दोस्तों, पेंडेनस प्लांट है, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत पौधा होता है। और आपके इसके लीव देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में ये चार चांद लगा सकते हैं।
इधर आप आएंगे तो ये ग्रीन U4 भी आया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं अपनी नर्सरी में जी। ये देखिए दोस्तों, इसकी कुछ कटिंग्स भी हमने लगाई हुई हैं ग्रीन ड्रेसिना की। ये देखिए, छोटे पॉट्स में हमने ग्रो करा रखी हैं दोस्तों, और बाकायदा रियल टाइम में ग्रो हुई है ये दोस्तों। अभी ही लगाई थी मैंने, लगभग महीना भर हुआ है इनको, और महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है प्लांट हमारा। ये देखिए, छोटी छोटी कटिंग्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं दोस्तों। मैं इसकी एक वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द, कि हम ड्रेसिना को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारे स्नेक प्लांट्स हैं, वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, ड्वार्फ वेराइटी के हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी अभी मैंने प्रोपोगेट किए हैं, इसकी भी एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत खूबसूरत और बुशी प्लांट होता है दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल जब गमला आपका पॉट भर जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, शानदार लगता है दिखने में भी। और हम एक से बहुत सारे ही बना सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको, अगर आप एक प्लांट भी अपने घर पे ला के रख सकते हैं तो वो भी आपको बहुत सारे प्लांट्स दे सकता है। आप इसे लीव से भी ग्रो करा सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जो है सीजनल है, सर्दियों का सीजनल, क्योंकि सर्दियाँ आने लगी हैं तो ये कुछ हमने प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। इसको बोलते हैं कॉस्मोस, ये देसी वेराइटी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार फ्लावर होता है इसका। आप ये लगा के चलिए, आप इसको एक भी लगा लेंगे ना, एक दो पौधे भी लगा लेंगे तो आपको सीड की कमी नहीं रहेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारे सीड आपको मिल सकते हैं। और बहुत ही प्यारा जो है हमारा प्लांट है ये दोस्तों। ये देखिए, अभी इसके पत्ते भी आप देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत प्लांट्स के इसके पत्ते होते हैं। और अभी इसमें देखिए आप, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए आप दोस्तों, ये देखिए इसका फ्लावर भी निकल चुका है, बर्ड खिलने लगी है इसके ऊपर। और बहुत ही सुंदर और अच्छा प्लांट होता है दोस्तों ये। इधर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ये मोस्टिक पे लगी हुई है मनी प्लांट्स, गोल्डन मनी प्लांट है, पोथूस मनी प्लांट है, और वेरीगेटेड मनी प्लांट है दोस्तों, और क्या कहते हैं हमारा ये जो है ऑक्सोपोडियम मनी प्लांट भी है दोस्तों। और ये आप देखेंगे तो ये बंगाली मनी प्लांट है दोस्तों। ये देखिए, बंगला मनी प्लांट बोलते हैं इसको, काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है ये जी। और इसका पत्ता जो है मेरे जितना मेरा हाथ है, इससे भी दुगने तिगना पत्ता इसका जो है ग्रो करने के बाद में, फुल ग्रो होने के बाद में बहुत बड़ा लीव हो जाता है इसका दोस्तों। इस तरह के कुछ पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप अपने इंडोर घर पर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट्स होते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, और ये एक मनी प्लांट खास वेराइटी का है हमारे पास में दोस्तों। ये देखिए, इसमें कट्स आते हैं, ऑटोमेटिक ही कट आते हैं इसके लीप के अंदर, देखिए आप इस तरह से दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी वेराइटी का है। इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूं विदा। उम्मीद करता हूं वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।